हरे कृष्णा। सो दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने बात की कि हमें माला पर ही जप क्यों करना चाहिए और माला पर हम जप कैसे कर सकते हैं, इसकी भी मैंने आपको जानकारी दी। सो, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो इस्कॉन में बोलते रहते हैं या फिर और हैं, गौड़िया वैष्णव है या बाकी और भी कुछ संस्थाएं हैं जहां पर वैष्णविज्म सिखाया जाता है या फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस सिखाई जाती है, जहां पर कृष्णा भक्ति के बारे में बताया जाता है, वहां पर सभी ये क्यों कहते हैं कि आप 16 माला जपिए, यानी कि आपको पूरे दिन में कम से कम 16 माला जपनी है। सो ये कम से कम है, मिनिमम आपको 16 माला तो जपनी ही है। सो ऐसा क्यों कहा जाता है कि 16 माला ही जपिए? या सो 16 माला का बेसिकली जो संबंध है वो हमारी ब्रेथ से संबंध है, यानी कि हम कितनी सांस लेते हैं पूरे दिन में। सो टेक्निकली अगर आप देखें जो 16 माला होती है, अगर जैसे मैं आपको बताती हूँ कि ये मेरी माला है, ठीक है, इस माला में 108 मनके हैं, 108 बीड्स हैं इस माला में। सो, अगर आप जब एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब आप ये एक बार जपते हैं तो ये टोटल कितना बार हो गया? 16 बार। देखिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये 16 बार आपने भगवान का नाम जप लिया सिर्फ एक हरे कृष्णा महामंत्र में। जब आप 16 बार जपेंगे एक ही महामंत्र को, तो भगवान का नाम आप 16 बार जप रहे हैं एक ही महामंत्र में, तो एक महामंत्र को जब आप ये 108 बार जपेंगे तो लगभग वो कितनी बार हो जाएगा? 1700 समथिंग के करीब हो जाएगा। आप अपना कैलकुलेटर निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। सो 108 इंटू 16 वो तो हो गया 1700 समथिंग के करीब, और जब आपको बोला जाता है कि आप 16 माला जपिए तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1700 समथिंग जो आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 माला के साथ, तो वो लगभग आपका जो बनेगा अराउंड 22,000 समथिंग, शायद ऐसा बनता है 20,000 से ऊपर के करीब आपकी कुछ फिगर आएगी, राइट। सो टेक्निकली अगर आप गूगल पर भी देखें या फिर आप साइंस अगर जानते हो, तो पूरे दिन में जो एक नॉर्मल व्यक्ति है जो सांस लेता है वो लगभग 20 से 28,000 के बीच में होती है। सो जब आप ये माला 16 बार जपेंगे, हरे कृष्णा महामंत्र को जब आप 16 बार जपते हैं, तो लगभग आपका ये 27,000 के करीब तक आपका पहुंच जाता है, जप पहुंच जाता है। सो जो कि आपको जो है आपकी ब्रेथ्स के बराबर बनता है। सो ब्रेथ्स के बराबर ही हम क्यों करते हैं माला जप? इसलिए क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है हमें हर क्षण जप करना है और हमें हर सांसों पर जप करना है। आपने यदि गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा हो कभी, क्योंकि मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ, अमृतसर यूनिवर्सिटी में, सो गुरु ग्रंथ साहिब के साथ मेरा बहुत ही क्लोज संबंध रहा, तो मुझे काफी जानकारी उसकी भी मिलती रही। सो गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिखा है, हर सांस पे सिमरो गोविंद का नाम। सो हर सांस पे आपको गोविंद का नाम सिमरन करना है। अब है तो ये कलयुग, आप लोग अपना जॉब भी करेंगे, आप लोग घर को भी संभालेंगे, बच्चों को संभालेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें संभालना पड़ता है। सो, हम ये नहीं कर सकते कि हम हर सांस पे भगवान जी का नाम ले रहे हैं, ये वो, ये थोड़ा हमारे लिए कलयुग में पॉसिबल नहीं हो पाता, स्पेशली गृहस्थों के लिए। सो, उसके लिए आपको 16 माला जप करने के लिए बोला जाता है कि आप एक ही बार में 2 घंटा बैठकर 16 माला जप लें या फिर पार्ट पार्ट में भी जपे पूरे दिन में, तो 16 माला यदि आप कर लेते हैं तो उस दिन का जो आपका कोटा है भगवान के साथ संबंध बनाने का, वो आपका खत्म हो जाता है, राइट। सो, यानी कि आपका वो पूरा हो जाता है और आपने उस दिन का जप जो है कर्म बंधन से निकलने के लिए वो आपने पूरा कर लिया। सो, अब हम बात करेंगे कि कुछ लोग कहेंगे कि 16 माला जप करने का क्या मतलब, हम लोगों को तो हम फटाफट से ऐसे कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा हमारे मन में कुछ और चल रहा है ये वो, तो उससे अच्छा तो हम क्वालिटी का जप करें, यानी कि भले हम 5 माला जप करें लेकिन बढ़िया तरीके से करें। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलते होंगे जो ऐसे बात करते होंगे। सो बिल्कुल आपको करना चाहिए, क्वालिटी का जप ही करना चाहिए।
लेकिन ये है कलयुग। सो कलयुग में आप सोचे मैं क्वालिटी का जप करूं, सिर्फ पांच माला करूं और मेरा काम बन जाए, ऐसा नहीं है। देखिए जब मैं आपको कैसे समझाऊं, या मान लीजिए जब हमारे पास कोई अनजान व्यक्ति आता है, हमारे ऑफिस में कोई नया ज्वाइन किया या फिर सोसाइटी में कोई नया व्यक्ति आया और हमने उसके साथ बातचीत करनी शुरू की, अब पहली बार में आप क्या बात करेंगे? हाय हेलो, थोड़ी सी बात हुई, ठीक है, आपकी खत्म हो गई, आपकी उसके साथ दोस्ती नहीं हुई। दोस्ती कैसे होगी आपकी? दोस्ती आपकी तब होगी जब आप उससे बातचीत अपनी बढ़ाएंगे, यानी कि आप तकरीबन उससे बात करते हैं, आते जाते हाय हेलो से थोड़ा सा और संबंध बढ़ता है, थोड़ी और बातचीत आप करने लग गए, कुछ दिनों के बाद और बातचीत करने लगे, अब आपकी दोस्ती इतनी हो गई कि आप फोन पर भी बात करना शुरू हो गए, फोन पर क्या, फिर उसके बाद आप लोग ट्रिप पर भी जाना इकट्ठा शुरू हो गए, यानी कि आपकी दोस्ती कैसे बढ़ी? आपकी दोस्ती उस व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन की वजह से बढ़ी, क्योंकि आप उसके साथ कम्युनिकेशन करते रहे, आपने अपना जो बातचीत का संबंध था वो नहीं तोड़ा, आपने उसके साथ बातचीत नहीं तोड़ी, राइट? सो जब आप ये भगवान के लिए जब आप माला जपते हैं तो भगवान के साथ आपका संबंध जुड़ता है। जब आप रोज रोज सिर्फ लिमिटेड बात करेंगे भगवान से, यानी कि जब आप माला जप करते हैं तो इसका मतलब भगवान से बातें करते हैं, अब रोज रोज आप लिमिटेड बात ही कर रहे हैं भगवान से कि दो माला आपने जप की तो भगवान कितनी देर आपके पास बैठेंगे? थोड़ा देर ही तो बैठेंगे ना, दो माला के बराबर के हिसाब से बैठेंगे आपके पास, उतनी बातचीत होगी। अब भगवान के साथ जब लिमिटेड बात हो रही है तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि भगवान जी के साथ आपका प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ जाए? क्योंकि जब हम एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ हमारी बातचीत के बाद ही हमारा संबंध उससे, हमारी बॉन्डिंग उससे ज्यादा होती है, तो भगवान के साथ भी तो आपको बातचीत ही तो करनी है, तभी तो आप उनके साथ अपना अच्छा संबंध बना पाएंगे, राइट? सो आपको 16 माला का जप करना चाहिए। सो ये शास्त्रों में भी लिखा है कि जब आप ये जप करते हैं, जब आप माला जपते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति जब सोकर माला जपता है, लेटे लेटे माला जप रहा है, तो भगवान उसके पास बैठकर उसका जप सुनते हैं। आप देखिए भगवान कितने दयालु हैं, भगवान को इतना अच्छा लगता है कोई व्यक्ति लेटे लेटे जप कर रहा है तो भगवान आकर बैठ के जप उसका सुन रहे हैं। जब कोई व्यक्ति खड़े होकर जप करता है, बैठकर जप करता है, तो भगवान खड़े होकर उसका जप सुनते हैं, उसके साथ संबंध बनाते हैं, उसकी बातें सुनते हैं। जब कोई व्यक्ति खड़े होकर जप करता है, जैसे हम चलते फिरते जप करते हैं, तो कहते हैं भगवान कृष्ण उसकी जीवा पर आकर नृत्य करने लग जाते हैं, तो भगवान को इतना अच्छा लगता है कोई व्यक्ति जब जप करता है, उनसे बातचीत करता है, तो फिर क्यों ना हम 16 माला पर आए? हम क्यों दो पर ही अटके हुए हैं अभी तक कि हम तो दो माला जपेंगे और उसके आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, राइट? सो हमें धीरे धीरे अपने जप को बढ़ाना चाहिए, हर सांस में हमें भगवान का नाम सिमरन करना चाहिए, और क्योंकि हम सारा दिन नहीं कर पाएंगे तो हमारे जो आचार्य हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, उनमें यही बताया गया कि आप कम से कम 16 माला करेंगे तो आप कर्म बंधन से निकलेंगे, राइट? अब आप चले जाएंगे अगर वृंदावन या मायापुर, वहां पर तो मैं कहती हूँ बच्चे भी नहीं करते 16 माला, आराम से किसी से पूछो 32, 64, 48, मतलब 16 माला तो उनके लिए चुटकी का काम है। और हम गृहस्थ लोग ये सोचते हैं अरे 16 माला कैसे कर पाएंगे 16 माला। आप कैसे भी समय निकालिए, आप कैसे भी समय निकालिए, क्या आप भगवान के लिए 2 घंटे नहीं निकाल सकते? भगवान जी आपके साथ बातचीत करने को तरसते हैं, मतलब वो खुद चाहते हैं कि मेरा भक्त मेरे से बातें करे, और हम ही भगवान के लिए समय नहीं निकाल पाते। हम फेसबुक के लिए समय निकाल लेते हैं, हम इंस्टा के लिए समय निकाल लेते हैं, हम अपना लोगों के साथ बेफजूल की बातें करने के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन हम भगवान के लिए नहीं समय निकाल पाते। उसके लिए हमारे पास अनगिनत कारण आ जाते हैं, हमारे पास अनगिनत काम आ जाते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। समय एक्चुअली होता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। यदि आप अपनी एंटरटेनमेंट के लिए समय निकाल सकते हैं तो भगवान के जप के लिए भी आप समय निकाल सकते हैं। सो सब कुछ हमारे पर डिपेंड करता है, आप कैसे भी करके समय निकालिए, लेकिन 16 माला तक जरूर पहुंचिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपके लिए भगवान तक पहुंचने के लिए, वरना क्या होगा, आप 4-4 माला जपते जा रहे हैं, 5-5 माला जपते जा रहे हैं, अब अगले जन्म में पहुंच गए तब जाके आपकी 16 माला होनी शुरू हुई, क्योंकि धीरे धीरे तो आप बढ़ेंगे ना आगे। जब 16 माला होनी शुरू होंगी तब उसके बाद आप भगवान के साथ संबंध बनाना शुरू होंगे, तो क्यों इतना लेट कर रहे हैं हम लोग, अभी से ही क्यों नहीं?
सो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप 16 माला जपिए, धीरे धीरे शुरू कीजिए, लेकिन प्रोग्रेस कीजिए, एक जगह पर अटके ना रहिए, राइट। सो उम्मीद है कि आपको ये जो थोड़ी सी नॉलेज मैंने शेयर की, ये मेरे मुताबिक ही थी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ये वीडियो किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हैं, मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है। हरे कृष्णा।